हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आप सबकी एकता। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो है वो है स्किन केयर रूटीन, जो कि समर स्किन केयर रूटीन होने वाला है, जिसमें इंक्लूड है मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन और नाइट स्किन केयर रूटीन, जो कि मैं खुद फॉलो करती हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूँ, ये इसलिए भी आप बोल सकते हैं कि ये वीडियो जो है वो बजट फ्रेंडली है, इसलिए क्योंकि ये टीनेजर्स के लिए है। और मैं कुछ भी ऐसा इंक्लूड उसमें नहीं करने वाली हूँ, कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं इंक्लूड करने वाली हूँ जो सबके लिए अफोर्डेबल ना हो। ये बिल्कुल ही बजट फ्रेंडली वीडियो होने वाला है, सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है, चाहे वो टीनेजर्स हो या फिर हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वूमेन हो, जो भी हो, उन सबके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को पहले मॉर्निंग रूटीन से हम स्टार्ट करते हैं। और मेरी मॉर्निंग भी बिल्कुल ईजी वीजी होती है, बिल्कुल आप लोगों जैसी, बिल्कुल लंगड़ाइयाँ लेते हुए ही मैं सुबह उठती हूँ। और उठते ही मेरा सबसे पहला काम जो होता है वो है शिव जी और कान्हा जी और देवी माँ को प्रणाम करना, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत उन्हीं लोगों के साथ होती है। और इसके बाद जो सेकेंड थॉट मेरे दिमाग में आता है वो है मेरा फ़ोन, मतलब मेरा फ़ोन, मतलब दिमाग में तुरंत आता है अभी फ़ोन उठाना है। और फ़ोन उठाते ही बस ये चेक करना कितने फॉलोअर्स बढ़े, कितने सब्सक्राइबर आए, मेरे वीडियोस कितने चले, ये सारी चीज़ें चेक करना होता है। तो उसके बाद 3 से 5 मिनट उसमें जाता है, और इतने में मेरी बॉडी भी थोड़ी सी फ्री हो जाती है। आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि नींद से अचानक से उठे और डायरेक्टली आप बाथरूम में भाग गए, ऐसा भी नहीं होता। तो मतलब थोड़ा सा मैं रिलैक्स हो जाती हूँ, मेरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, उसके बाद मैं फिर सीधे बाथरूम में जाती हूँ। मेरा नहाना भी मॉर्निंग में होता है, बहुत सारे लोग नहीं नहाते, आराम से नहाते अपना, लेकिन मेरा मॉर्निंग में होता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप नहा नहीं रहे हो तो आपको फेस वॉश नहीं करना है। मेरा पहला काम जो होता है ना टूथब्रश के बाद, वो फेस वॉश होता है। मैं भी कई बार बाद में नहाती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि मैं मॉर्निंग में ही नहा लेती हूँ, लेकिन मोस्टली मैं मॉर्निंग में नहाती हूँ। तो उसमें पहला काम मेरा फेस वॉश का आता है, और फेस वॉश के लिए मैं 1 से 1.5 मिनट देती हूँ। गाइस, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करती मैं, नहाने में जल्दबाजी कर सकती हूँ पर मैं फेस वॉश के लिए टाइम देती हूँ, जो कि देना भी चाहिए। फेस वॉश बिल्कुल भी जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फेस वॉश आपकी स्किन में रह गया वो भी सही नहीं है, और अगर डस्ट अच्छे से नहीं निकली तो वो भी सही नहीं है। तो आपको इसको अच्छे से क्लीन करना है। तो मैं अपने फेस को सबसे पहले क्लीन करती हूँ, अब इसके बाद बारी आती है टोनिंग की। और इस वक्त मेरा फेवरेट टोनर जो है हुआ है, मतलब कि 2 टोनर, वैसे तो मैं गुडवाइफ का भी यूज़ करती हूँ जो कि मुझे बहुत पसंद है, लेकिन उसके अलावा मैं मॉम्सको का इस वक्त टोनर यूज़ कर रही हूँ मॉर्निंग रूटीन में अपने, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। मतलब कि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, मतलब मुझे ऐसा फील आता है ना, काफ़ी रिफ्रेशिंग सा फील आता है। ठीक है, तो मैं टोनर यूज़ करती हूँ, और उसके बाद जो आता है वो है मॉइस्चराइज़र। और मॉइस्चराइज़र आप जो भी यूज़ करते हैं ठीक है, अगर आप सूटेबल हो तो ठीक है, लेकिन मॉइस्चराइजर अगर आप समर में हो तो मैं आपको बता दूं, आपकी स्किन अगर ड्राई है, आपकी स्किन नॉर्मल है, तो आप मॉइस्चराइजर के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करना है, उसकी जगह आपको यूज़ करना है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास है तो आप उसे यूज़ कीजिए, अगर नहीं है तो आप प्लीज़ उसको अपने पास रखिए, क्योंकि मोस्ट जिनकी भी स्किन ऑयली है मैं उनको बोलूँगी कि आप एलोवेरा जेल जरूर यूज़ कीजिए। मैं कहती हूँ, मेरे कहने पे एक बार यूज़ करके देखिएगा, आपको उसके बेनिफिट्स दिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बारी आती है मेरे फेयरनेस की, जो कि मैं आजकल यूज़ करती हूँ, वो है मेरा लैक्मे का रेडियंस। इसमें SPF भी ऐड है गाइस, तो ये एक तरीके का डे और नाइट दोनों क्रीम आप बोल सकते हैं। जिनके पास नाइट का कोई क्रीम नहीं है वो इसको नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे डे में यूज़ कर सकते हो एज अ फेयरनेस तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको ऐसा लगेगा नहीं कि आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत है, लेकिन आपको एक चीज़ तो और इंक्लूड करना है साथ में, वो है सनस्क्रीन। ठीक है, अगर आप अलग से सनस्क्रीन लगाना चाहते हो तो आप यूज़ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सनस्क्रीन आपको अपनी बॉडी पे, जो भी बॉडी के पार्ट्स आपके खुले होते हैं, आप उन पर भी आपको अप्लाई करना है, और साथ ही साथ आपको अप्लाई करना है अपने फेस पे। लेकिन मैं अभी ये यूज़ कर रही हूँ ये लैक्मे का ये रेडियंस वाला क्रीम, जो कि इसमें SPF ऑलरेडी ऐड है, तो मैं मॉइस्चराइजर एज अ फेस पे नहीं यूज़ करती हूँ। पर हाँ, मैं हैंड के लिए, अपने लेग के लिए, जो भी मेरे एरिया खुले होते हैं उनके लिए मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। वो है जो मैं यूज़ करती हूँ वो लोटस का SPF 15 का सनस्क्रीन है, जो कि काफ़ी अच्छा है। मैं एक चीज़ बता दूँ, उसमें ना थोड़ा सा जैसे फाउंडेशन क्रीम सा ऐड है। अगर आप कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते तो टोनिंग के बाद डायरेक्टली आप उसको अप्लाई कर लेंगे ना, तो भी आपका फेस जो है वो काफ़ी ग्लोइंग दिखेगा। आपको उसके अलावा किसी भी फेयरनेस की ज़रूरत नहीं है। मैं एक चीज़ बता दूँ, आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, आपका फेस काफ़ी ग्लो करेगा।
सो गाइस, अब बारी आती है हमारी नाइट स्किन केयर की, जो कि बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं. तो मैं आपको बोल दूँ, बिल्कुल भी स्किप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो कि मॉर्निंग स्किन केयर तो कर लेते हैं मोस्टली, क्योंकि वो नहाने के साथ हो जाता है, लेकिन नाइट में सो जाते हैं. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. क्या होता है ना गाइस, कि आप पूरे दिन कोई फेयरनेस यूज़ करते हो, या फिर आपने बहुत सारे मेकअप वेयर किए हैं, या फिर आप कहीं बाहर गए हो, तो बहुत सारे डस्ट आपके फेस में जमा हो जाते हैं. तो ऐसे में उनको रिमूव करके ही सोना चाहिए, क्योंकि इसी से प्रॉब्लम हमारे स्किन में स्टार्ट हो जाती हैं. स्टार्टिंग में आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, बहुत सारे लोगों को तुरंत रिजल्ट दिखता है, जैसे कि ऑयली स्किन उनमें प्रॉब्लम ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, या फिर सेंसिटिव स्किन उनके में प्रॉब्लम ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है. लेकिन नॉर्मल स्किन वालों के साथ क्या होता है ना, बाद में प्रॉब्लम धीरे धीरे दिखती हैं. तो आपको ये सारी चीज़ों से बचने के लिए ये सारी चीज़ें करनी है. तो मेरा जो स्किन केयर में आता है, वो सबसे पहले होता है, आप बोलेंगे कि फेस वॉश. फेस वॉश नहीं, उसके पहले लोग करते हैं क्लिंजिंग. तो मैं आपको बता दूँ, दो चीज़ें करने से अच्छा है कि आप अपना टाइम भी बचाओ. तो मैं अभी इस वक्त जो कि समर में मेरा फेवरेट हो रखा है, वो है थोड़ा सा कर्ड और बेसन, इन दोनों को मैं ऐड करती हूँ. इसके बाद मैं अपने फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई करती हूँ. मैं आपको क्या बताऊँ, कितना स्मूथ, कितना आप सॉफ्ट फील करोगे ना, आपकी स्किन कितनी लाइट फील करती है ना, कि मैं क्या बताऊँ. आप इसे ज़रूर ट्राई करना. और सबसे पहली बात कि आप दो चीज़ों से बचते हो. आपको अगर आपने करना है फेस वॉश, तो उसके पहले आपको क्लिंजिंग तो यूज़ ही करना है, ठीक है. आप डायरेक्टली फेस वॉश नहीं कर सकते हो, क्योंकि इससे क्या होती है, हमारी स्किन बहुत ड्राई होती है, बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है. तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए हमें क्लिंजिंग पहले करना होता है, उसके बाद हमें फेस वॉश करना पड़ता है. तो ये दो चीज़ों से आप बच सकते हो एक ही चीज़ में. आपका फेस भी अच्छे से, आपके जो पोर्स होते हैं ना, वो इतने ओपन हो जाते हैं, आप खुद ही फील करोगे, ठीक है. तो आप उससे अच्छे से अपने फेस को रिलैक्स फील करवा सकते हो, काफी काम फील करवा सकते हो, ठीक है. तो अभी बारी आती है टोनिंग की. तो टोनिंग के लिए मैं मॉर्निंग में यूज करती हूँ मॉम्सको का, लेकिन नाइट में जो है मैं भी यूज करती हूँ गुड वाइब का टोनर, जो कि मुझे बहुत 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 पसंद है. मतलब शुरू से मेरा फेवरेट रहा है. टोनर ऐड हो रहे हैं बहुत सारे, लेकिन वो मेरे लिए सीरियसली अभी फेवरेट बना है. इसके बाद मैं टोनिंग करती हूँ, उसको थोड़ा सा एयर ड्राई होने के लिए छोड़ देती हूँ. इसके बाद बारी आती है कि आप अपने नाइट में कौन सा मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं, या फिर आप कोई नाइट क्रीम यूज़ करते हैं. तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपकी स्किन ऑयली है, तो मैं फिर से आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एलोवेरा जेल ही यूज़ कीजिए. उससे क्या होता है ना, कि आपकी स्किन जो है काफ़ी रिफ्रेश फील करती है. जैसा कि मैंने आपको बताया कि नाइट में जो हमारा स्किन है, जो हमारे पोर्स है ना, वो एक तरीके का ऑयल छोड़ते हैं. तो अगर ऑलरेडी आपकी स्किन ऑयली है, देखिए, जो लोग नॉर्मल स्किन वाले या ड्राई स्किन वाले हैं, उनको फील नहीं होता है. लेकिन जो लोग जिनकी स्किन ऑयली होगी, उनको ऐसा लगता होगा कि जब वो सुबह उठते हैं ना, तो उनकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ऑयली हो गई है ना. तो ये वही चीज़ें होती है, जब हमारा फेस जो है, हमारे जो सेल्स होते हैं, जब वो ऑयल छोड़ते हैं ना, तो उसमें स्किन हमारी जो ऑलरेडी ऑयली है, तो वो और ज़्यादा पता चलती है, ठीक है. तो वैसे केस में आपको अपने स्किन को काफ़ी फ्रेश रखना है, उसमें आपको एलोवेरा जेल ही यूज़ करना है. मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे आयुर्वेदा का एलोवेरा जेल, जो कि बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल यूज़ नहीं है. मैं उसको यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है. इसको मैंने लोकल शॉप से लिया था गाइज, मैंने इसको ऑनलाइन नहीं मंगाया था, पर मैं चेक करूँगी ज़रूर. अगर ये ऑनलाइन कहीं भी अवेलेबल होगा, तो मैं उसका लिंक भी यहाँ डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप लोग इसको यूज़ करके देखिएगा, ये बहुत अच्छा होता है. अगर आप के पास एलोवेरा जेल नहीं है, आप इसकी जगह कुछ और यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप लैक्मे में भी बहुत सारे जेल क्रीम हैं, जेल मॉइस्चराइजर हैं, आप उसे यूज़ कर सकते हैं. अगर आप उन्हें भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो सबसे बेस्ट एंड बेस्ट है, जो कि मैं पहले कभी किया करती थी, वो था कि थोड़ा सा मैं घी, आप बोलते हो कि घी, मतलब ऑयली स्किन वालों के लिए नहीं है, लेकिन नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले, हल्का सा घी, मतलब कि एक बूंद घी, आप उसको अच्छे से अपने फेस को मसाज करके सो जाएंगे. मैं आपको बताती हूँ, सुबह आप खुद फील करोगे कि आपकी स्किन काफ़ी ग्लो कर रही है, काफ़ी रिफ्रेश फील कर रही है. और ये काफ़ी टाइम तक मैं करती थी, मेरी दी थी, मतलब दी वो भी करती थी, और मैं सबसे पहले मैंने उन्हीं को देखा था कि वो घी लगाती थी. तो मैं ऐसे सोचती थी घी लगाओ, घी की स्मेल ये वो, लेकिन
सच में जब मैंने एक दो बार ट्राई किया तो मुझे उसके बेनिफिट्स दिखे, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो आप चाहो तो उसे भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं बता दूँ नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले बिल्कुल भी नहीं। वो जितना चाहें तो अपने स्किन को रिफ्रेश कराने के लिए उनको जेल फॉर्म में ही जो भी क्रीम्स आती हैं, जो भी मॉइस्चराइज़र आते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कोई जेल लेके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको लिप बाम अप्लाई करना है, जस्ट बिकॉज कि आपके लिप्स पे पूरे दिन कुछ ना कुछ वर्क होते रहते हैं लिप्स से, तो उससे आपको टाइम ही नहीं मिलता कि कुछ भी आप वेयर करो। लिपस्टिक, या तो लिपस्टिक वेयर होता है, या फिर आपने मॉर्निंग में लिप बाम लगाया भी है तो, या फिर आप कुछ खा पी रहे हो तो वो निकल जाता है, तो सबसे ज़्यादा वर्क वही करता है। तो आप लिप बाम में लिप बाम जरूर अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास लिप बाम नहीं है गाइस, तो आप वहाँ भी देसी घी का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ, गारंटी बताती हूँ, आपकी स्किन सुबह बहुत 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 अच्छी फील होगी, ठीक है। तो ये इतने थे स्किन केयर। अब इसके बाद एक्स्ट्रा मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूंगी, जो है मेरा इस वक्त, जो कि मैं मॉर्निंग में भी यूज़ करती हूँ, नाइट में भी यूज़ करती हूँ। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी एक वीडियो में दे चुकी हूँ, जो कि मेरा है अंडर आई सीरम, और इसका भी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इसको भी मैं अप्लाई करती हूँ क्योंकि मुझे डार्क सर्कल्स बहुत आ जाते हैं, क्योंकि ना मैं जरा सा भी कुछ ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो गया, या मुझे ज़रा सा हेडेक भी हो जाता है, मेरे डार्क सर्कल्स पता चलते हैं। अगर इन सारी चीज़ों की लोगों को प्रॉब्लम है ना, तो मैं ये वाला आई सीरम रेकमेंड करती हूँ गाइस। आप लोग जरूर इसको एक बार अप्लाई करके देखिएगा, काफ़ी फायदे हैं इसके। क्या होता है ना, मैं हेल्दी होती भी हूँ, मतलब कि बॉडी से हेल्दी हूँ, स्किन से हेल्दी हूँ ना, तो भी अगर जरा सा भी स्ट्रेस होता है ना मुझे, तो मुझे डार्क सर्कल्स दिख ही जाते हैं, ठीक है। तो ये था गाइस मेरा स्किन केयर, नाइट स्किन केयर, जो कि मैं करती हूँ। आप लोग भी जरूर इसको फॉलो कीजिएगा। सो गाइस, ये था मेरा मॉर्निंग स्किन केयर और नाइट स्किन केयर, जो कि समर में अभी मैं फॉलो कर रही हूँ। और इसमें जो भी मैंने प्रोडक्ट यूज किए हैं, वो कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये सारे बजट फ्रेंडली है, आप सब अफोर्ड कर सकते हो इसको। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, तो प्लीज 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और प्लीज 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 कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तब तक के लिए खुद से प्यार करिए, खुद का ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।